आपको याद है सूबे में 2019 के फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल भी होना था जो अभी फिलहाल टला हुआ है। यह सेमीफाइनल था जींद उपचुनाव। यह चुनाव बता देता कि प्रदेश में सियासत की लहर किस ओर बह रही है। सभी दल इसमें अपनी ताकत आजमाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। इनेलो अपनों में उलझी हुई है, बीजेपी इस मामले पर शांत है, लेकिन कांग्रेस को शायद जल्दी ज्यादा है। चुनावी साल में हर कोई हवाओं के रुख को पहचानना चाहता है। सभी को लग रहा है कि सियासत की गोटियां कैसे बैठानी है, इसके लिए एक टेस्ट पहले ही हो जाए तो बेहतर है। जींद से इनेलो विधायक हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होने की संभावनाएं राजस्थान चुनाव के साथ ही जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जिले सूबे में राजनीति की हवाओं का रुख तय करते हैं, उनमें जींद का नाम प्रमुखता से आता है। यहाँ उपचुनाव का मतलब है कि सभी को अपनी अपनी ताकत का एहसास और मतदाताओं के रुख का अंदाजा हो जाता। यह चुनाव सभी दलों के लिए नाक का सवाल होता। हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद उनके बेटे कृष्ण मिड्डा से मुलाकात के बाद बीजेपी की यहाँ कुछ उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन जाने बात कहाँ बिगड़ी कि कृष्ण मिड्डा इनेलो के मंच से ही गोहाना में प्रकट होते दिखे। इसके संकेत शायद बीजेपी को पहले ही मिल चुके थे, इसलिए पार्टी उपचुनाव को लेकर शांत है। अब बीजेपी भले ही शांत हो, लेकिन कांग्रेस को थोड़ी जल्दी है। कांग्रेस इसे मुद्दे की तरह लेकर चल रही है और नियमों की दुहाई देकर जींद में जल्द उपचुनाव करवाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। विधायक डॉक्टर हरिचंद मिड्डा का निधन अगस्त के अंतिम सप्ताह में हुआ था, इसलिए फरवरी के आखिर तक उपचुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि लोकसभा चुनाव मार्च और अप्रैल में होने हैं। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने जींद विधानसभा सीट पर उपचुनाव को तब तक के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है, लेकिन कांग्रेस चुनावी देरी को लोगों के मत अधिकार का हनन बता रही है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर उपचुनाव 6 महीने के भीतर करवाने की मांग करेगा। जींद के अंदर उपचुनाव का मामला है और कल से कुछ साथी उसमें कांग्रेस पार्टी के भी साथी हैं, दूसरे साथी भी हैं। जींद के अंदर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है कि जींद के साथियों को, जींद की जनता को चुनाव से क्यों महरूम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये ज्ञात हुआ है कि सरकार ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हरियाणा में चुनाव उपचुनाव ना करवाया जाए। कायदे से चिट्ठी तो ये लिखनी चाहिए थी कि चुनाव करवाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी उनको, जींद के लोगों को उनका चुनावा प्रतिनिधि मिले। वैसे जींद विधानसभा सीट पर पिछली 2 बार से इनेलो का कब्जा है और फिलहाल इनेलो नेता अपनों से ही निपटने में मशगूल हैं और बीजेपी शांत है। ऐसे में कांग्रेस को यह सही मौका दिख रहा है। सियासत दिस वीक डेस्क। सियासत दिस वीक के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सूबे की तमाम सियासी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रदीप डबास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।